12 अक्टूबर 2023 को नासा जाने वाला है 16 साइकी नाम के इस एस्ट्रॉइड के ऊपर, जो कि पूरा का पूरा मेटल का बना है। इस एस्ट्रॉइड के अंदर आयरन, कॉपर, निकल, प्लैटिनम और इवन गोल्ड भी भरपूर मात्रा में मौजूद है। यह है नासा का मिशन साइकी। हाल ही में नासा ने अपने एस्ट्रॉइड सैंपल रिटर्न मिशन को कंप्लीट किया है, जिसमें कि उन्होंने स्पेस में जाकर एस्ट्रॉइड बेनु के कुछ सैंपल्स कलेक्ट किए और उसे वापस पृथ्वी पर भी लेके आए। इस मिशन के रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है अपने चैनल पे, आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। इस मिशन के सक्सेस के बाद नासा प्लान कर रहा है 16 साइकी नाम के इस गोल्डन एस्ट्रॉइड पर जाने का, और उनका ये मिशन साइकी 12 अक्टूबर 2023 को लॉन्च होने वाला है। इससे पहले कि हम लोग इस मिशन के डिटेल्स में जाएं, चलिए थोड़ा सा 16 साइकी नाम के इस एस्ट्रॉइड के बारे में कुछ जान लेते हैं। मार्स और जुपिटर के बीच एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद ये 16 साइकी नाम का एस्ट्रॉइड पूरा का पूरा मेटल का बना है, जिसमें आयरन, निकल, कॉपर, प्लैटिनम और इवन गोल्ड भी मौजूद है। इस एस्ट्रॉइड की टोटल वैल्यू आज के समय में 10 क्विंटिलियन डॉलर्स की बताई जाती है, यानी कि 10 के आगे कुल 18 जीरोस, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इनफैक्ट ये इतना बड़ा नंबर है, चलिए मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ। आज के टाइम पे पूरी दुनिया की GDP ऑलमोस्ट 112 ट्रिलियन डॉलर्स है, और अगर आप 112 ट्रिलियन डॉलर्स को डिवाइड करेंगे 10 क्विंटिलियन डॉलर्स से तो आपको रिजल्ट मिलेगा 90,000, विच मीन्स इस एस्ट्रॉइड की वैल्यू हमारे पूरी दुनिया की इकोनॉमी से 90,000 गुना ज्यादा है। इसके ट्रू स्केल को समझने के लिए चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 10 क्विंटिलियन डॉलर्स को हम लोग आज के टाइम पे पूरी दुनिया की आबादी को बांट दें इन द सेंस हर एक आदमी को बराबर का हिस्सा दे, तो पता है हर एक आदमी को कितने रुपए मिलेंगे? 10,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 10,000 करोड़ रुपए पर आदमी को मिलेंगे। इतनी वैल्यू है इस एक एस्ट्रॉइड की। नासा ऐसे ही उतार नहीं है इस एस्ट्रॉइड में जाने के लिए। वैसे यहाँ पर एक सवाल आता है कि ये एस्ट्रॉइड पूरा मेटल का कैसे बना हो सकता है, जबकि स्पेस में मौजूद जो दूसरे एस्ट्रॉइड्स होते हैं वो यूजुअली पत्थर और बर्फ के बने होते हैं। अगर साइंटिस्टों की माने तो ये एस्ट्रॉइड कोई मामूली एस्ट्रॉइड नहीं है। जब हमारा सोलर सिस्टम बन रहा था तब ये एस्ट्रॉइड एक प्लैनेट हुआ करता था, बट किसी मैसिव कॉलिजन या फिर इंपैक्ट की वजह से जो इसका आउटर लेयर है वो इस प्लैनेट से अलग हो गया और सिर्फ इस प्लैनेट का कोर ही बचा रह गया, जो कि वक्त के साथ साथ धीरे धीरे ठंडा होते गया और आज के टाइम पे ये एक एस्ट्रॉइड बन गया है। और यही कारण है कि इस एस्ट्रॉइड का ऑलमोस्ट 60% मास पूरा मेटल है। मैं ये नहीं कह रहा कि नासा इस एस्ट्रॉइड में जाएगा, सोने चांदी की माइनिंग करेगा और झोला भर के वापस पृथ्वी पर लेके आएगा। ऐसा करना शायद बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि इससे पूरा ग्लोबल मेटल मार्केट क्रैश हो सकता है और डिमांड एंड सप्लाई की तो ऐसी तैसी हो जाएगी। अब जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया, ये एस्ट्रॉइड पहले एक प्लैनेट का कोर हुआ करता था जो कि पूरी तरह ठंडा हो चुका है, तो इसीलिए अब इसे स्टडी करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुका है, क्योंकि हम लोग किसी भी प्लैनेट के एक्टिव कोर को स्टडी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकते। अगर हम लोग पृथ्वी का एग्जाम्पल लें तो इंसानों के द्वारा खोदा गया अभी तक का सबसे गहरा खदान रशिया में मौजूद है, जो कि मात्र 12 किलोमीटर गहरा है, और इसके नीचे हम लोग खोद ही नहीं सकते क्योंकि वहाँ पर गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, सारे इक्विपमेंट्स हमारे मेल्ट हो जाते हैं। और 12 किलोमीटर खोदने के बाद भी आप यकीन नहीं करेंगे, हम लोग पृथ्वी का ऊपरी लेयर भी पार नहीं कर पाए हैं, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं। तो भाई, कोर में जाने का तो सपना छोड़ ही दो, लेकिन हो सकता है कि ये 16 साइकी हमारे काम को आसान कर दे, क्योंकि है तो ये भी एक प्लैनेट का कोर ही ना। इसी वजह से इसे स्टडी करना और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इससे हमें प्लैनेट के कोर के बारे में और भी ज़्यादा बेहतर जानकारी पता चलेगी और हम लोग प्लैनेट्स के कोर को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और ये एस्ट्रॉइड कोई छोटा मोटा एस्ट्रॉइड नहीं है, इसका टोटल सरफेस एरिया 1,65,800 किलोमीटर स्क्वायर है, मतलब अगर हम पूरे बिहार और झारखंड को मिला दें तो इतना बड़ा एरिया होगा। ये एस्ट्रॉइड पृथ्वी से लगभग 3.7 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर है। अगर आप इसे किलोमीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो लगभग होते हैं करीबन 55 करोड़ किलोमीटर। इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह मिशन इतना भी आसान नहीं होने वाला है। नासा को इस एस्ट्रॉइड के पास पहुंचने में लगभग 6 साल का वक्त लगेगा और लगभग 2029 के आसपास नासा इस एस्ट्रॉइड के पास पहुँच जाएगा। सफ़र काफ़ी लंबा है और आसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि ये एस्ट्रॉइड एस्ट्रॉइड बेल्ट में मौजूद है, जहाँ पर इस एस्ट्रॉइड के अलावा भी कई सारे छोटे छोटे एस्ट्रॉइड्स हैं जो कि शायद नासा के इस मिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। नासा का मेन मिशन इस एस्ट्रॉइड को स्टडी करना है।
इसीलिए वो यहाँ पर एक ऑर्बिटर स्पेसक्राफ्ट भेज रहे हैं जो कि लगभग 2029 तक इस एस्ट्रॉयड के पास पहुँच जाएगा। फिर ये 26 महीनों तक इस एस्ट्रॉयड के ऑर्बिट में रहकर इस एस्ट्रॉयड की स्टडी करेगा, इसकी मैपिंग करेगा। नासा के इस मिशन साइकी का टोटल बजट $960 मिलियन है और ये नासा का ऐसा पहला मिशन है जिसमें कि वो एक मेटालिक एस्ट्रॉयड की स्टडी करने जा रहे हैं जो कि किसी टाइम पे एक प्लैनेट का कोर हुआ करता था। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।